तो न्यूमेरिकल लेंस के बाद टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो हमने अभी तक थिन वायर्स ली, पतली वायर ली, अब हम थिक वायर ले रहे हैं। सपोज इनफाइनाइट वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है और रेडियस ए है, और इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से करंट पास कर रहे, चार्ज पास कर रहे, और कितना कर रहे है आई। क्वेश्चन है इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर और बाहर, इस वायर के मोटी वायर है, इस मोटी वायर के बाहर बी क्या होगा, इसके सरफेस पे बी क्या होगा, और इसके इनसाइड कहीं पर बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको बी की वैल्यू निकालनी है इस थिक वायर के अंदर, सरफेस के ऊपर और बाहर। हमने एक्सप्रेशन पहले नहीं किया क्योंकि हमने तो वायर ली ही ऑलरेडी थिन, तो हमने कोई थिकनेस तो ली नहीं पहली बात, तो इसलिए हमने इनसाइड तो कभी भी आंसर नहीं निकाला। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं इसमें। तो इसके लिए काम करते हैं, ये एक वायर मैंने कंसिडर की ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये रही चलती जा रही है, जिसका रेडियस मैंने कितना कंसिडर किया ए, और करंट कितना पास कर रहा है इस पूरे एरिया में से आई। तो मैं सबसे पहले स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बी निकालूंगा, तो मैंने बुकलेट में किया हुआ है पहले स्मॉल आर ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हुआ, वायर के बाहर, क्योंकि वायर का रेडियस ए है और आप आर की वैल्यू क्या ले रहे हो, ग्रेटर देन ए, और सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर। तो आर डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है, यहां पर बी निकालना है। बाइट्स एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, जहां आपको बी निकालना है वहां ले एक इमेजिनरी क्लोज पाथ। तो एक काम करते हैं, मुझे यहां पे आर डिस्टेंस पे बी निकालना है, यहां से डिस्टेंस कितना है आर, तो क्लोज्ड पाथ ले लेते हैं, ये बन गया एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। कोई डाउट इसमें, तो आपकी बुकलेट में बना हुआ है ये वायर है, ये ए है, ये आर रेडियस है, और मुझे यहां पर बी निकालना है। करंट क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा इस पॉइंट पर, इनसाइड, तो देख रहे हो बी वेक्टर इनसाइड है, तो डीएल भी कैसे जाएगा, इनसाइड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जाएंगी, तो यहां पर बी वेक्टर इनसाइड बनाया। क्लियर, तो इसमें लिख लो डायग्राम में ये डॉट 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 वाला सरफेस इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, ये डॉट वाला जो सर्कल है एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। तो एक काम करते हैं इस इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल निकाल लें, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इस क्लोज्ड पाथ का रेडियस क्या है आर, तो डीएल 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 मिला के क्या आएगा, 2πr। इक्वेशन नंबर वन क्लियर है, तो डॉटेड सर्कल का इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल आ गया। कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एसीएल एम्पियर सर्किटल लॉ, आपकी बुक्स भी यही लिखती हैं और बोर्ड के अंदर भी कई बार ये लिखी होती है एसीएल, कई लोग सोचते हैं एसीएल पता नहीं क्या आ गया, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है यहां तक, बी डॉट डीएल कैसे निकल सकता है, बी डॉट डीएल इस क्लोज्ड पाथ का क्या निकलेगा, म्यू नॉट इनटू इस क्लोज्ड पाथ में कितना करंट पास हो रहा है, तो कोई मुझे बताएगा इस क्लोज्ड पाथ में कितना करंट पास हो रहा है। देखो ये तो हवा में तो कोई करंट जा नहीं रहा, जा तो वायर में रहे, तो ऑब्वियसली पूरे का पूरा आई करंट पास हो रहा है इस क्लोज्ड पाथ के अंदर अंदर, ये पूरे का पूरा करंट बाहर निकल गया, तो म्यू नॉट इनटू क्या आएगा आई। ये स्टेप क्लियर है, इन दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करके बी आ गया, फिर से टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड करो। कोई बोल रहा था टू से क्यों करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमें आदत है ये क्या देखने में, 4π। तो आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4π 2i बाय, ये तो वही आ गया इनफाइनाइट वायर वाला सेम। तो इसका मतलब ये एक शॉर्टकट बन गया कि अगर आपके पास कोई थिन वायर है और थिन वायर से आप आर डिस्टेंस दूर बी निकालना चाहते हो, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2i बाय आर। और अगर थिक वायर है, थिक वायर के बाहर आर डिस्टेंस दूर आप बी निकालना चाहते हो, तो भी फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या लगेगा, सेम। तो थिन वायर है या थिक वायर है, अगर कोई पॉइंट वायर के बाहर है तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं। कोई डाउट इसमें, अगर कोई पॉइंट सरफेस के ऊपर होता तो आर स्मॉल आर को क्या पुट करते, ए। तो मैंने बनाया नहीं केस, लिखना लिख लो, फॉर स्मॉल आर इज इक्वल टू ए, तो बी का फॉर्मूला क्या बन जाता, फॉर स्मॉल आर इज इक्वल टू ए में
म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I डिवाइडेड बाय R की जगह क्या लिखेंगे A। क्लियर है? तो सरफेस के ऊपर क्या जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय R नहीं 2 I बाय A। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? और लास्ट केस है जो असली एप्लीकेशन है कि अगर मेरे को वायर के अंदर भी निकालना है तो वायर के इनसाइड, ये देखो ये वायर है, इसमें आई करंट आ रहा है, इसका रेडियस कितना है टोटल A, पर मेरे को B कहाँ निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ R एंड R इज लेस देन A में सर्कल जहां मुझे B निकालना है, इमेजिनरी क्लोज पाथ, इसमें छोटे वाला सर्कल इज इमेजिनरी क्लोज पाथ, तो लिखो एरो बना के छोटे वाले सर्कल पे इमेजिनरी क्लोज पाथ। क्लियर है यहां तक? तो इमेजिनरी क्लोज पाथ इसमें कहां बनेगा, इन साइड बनेगा। बंदा जिनके पास आइडिया है और उसको पिच करना चाहता है तो नियरेस्ट कोई भी IIM या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs में जाके वहाँ पे इनके पास सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके अपने आइडियाज पिच कर सकता है। और ठीक है यहाँ तक? तो इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ क्या बनेगा, ये अंदर वाला बनेगा। आगे देखो, फिर से करंट क्योंकि यहाँ जा रहा है, करंट यहाँ जा रहा है, तो इसमें बी वेक्टर अंदर की तरफ है, डीएल भी अंदर है, तो इस इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ का, इधर इमेजिनरी क्लोज पाथ का बी डॉट डीएल फिर से क्या बनेगा, बी इंटू 2πr। विदाउट इसमें अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्लोज पाथ का स्मॉल r है, तो बी इंटू क्या बनेगा, 2πr। अब इंपॉर्टेंट है, अब इस ये ध्यान से देखने वाला है अनमोल, इस इमेजिनरी क्लोज पाथ का अगर बी डॉट डीएल एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल लें तो रूल क्या कहता है, इसके अंदर से कितना करंट आ रहा है इस क्लोज पाथ के इन साइड, क्योंकि आई करंट तो पूरे क्रॉस सेक्शन में से आ रहा है, हमें क्या चाहिए सिर्फ इसका। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको हल्का सा शेड कर लो हल्का सा, और इसमें आई डैश लिखो, इसमें ऐसे करो, ये ए है ना और ये छोटे वाला सर्कल है, तो इसको हल्का सा शेड करके ये बताना है कि इसमें से कितना करंट निकल रहा है, आई डैश। तो यानी कि आप इसमें आई करंट ले नहीं सकते, आप इसमें ये छोटे वाले सर्कल में से जो करंट पास होगा सिर्फ वही लेंगे, और इमेजिन कर लिया कि छोटे वाले सर्कल में से कितना करंट पास हो रहा है, I dash, which is less than I। क्लियर है? तो इसको करने के लिए, I dash करने के लिए आप प्लीज इसके साइड पे ये कैलकुलेशन लिख लो, देखो कैसे, ये लिख लेना प्लीज ये पॉइंट, ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पाई ए स्क्वायर में करंट कितना है, I। वन के लिए करंट कितना होगा, I बाय पाई ए स्क्वायर, ये पता है क्या आ गई, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, और हमारा एरिया जिसमें से करंट हमें निकालना है कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो इनटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या आएगा, आई डैश, तो पाई से पाई कैंसल, आई डैश की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां पर आई, तो यानी कि करंट एरिया वाइज डिवाइड हो जाएगा, तो आपको एरिया की प्रोपोर्शन में करंट को कंसिडर करना है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां पर इसमें से कितना करंट आया, आई डैश, और आई डैश को वहां से उठा के मैंने यहां पुट कर दिया, तो आप वो प्लीज कैलकुलेशन साइड पे लिख लेना यहां पे। ठीक, क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों से हमने बी डॉट डीएल निकाल लिया, इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी और ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, B का इनसाइड थिक वायर। तो एक चीज और देखने वाली है, अगर पॉइंट बाहर है वायर के तो फॉर्मूला वही पुराना लगेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय R, यानी कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन अगर आप कोई पॉइंट इनसाइड लेते हो तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बोर्ड में और कॉम्पिटिशन दोनों में ये ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, ग्राफ प्लॉट करो वायर के इनसाइड यानी कि आर लेस देन ए और आर ग्रेटर देन ए, तो अगर तो आप आर लेस देन ए पे हो यानी कि वायर के अंदर हो तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन, और अगर आप आर ग्रेटर देन ए पे हो बाहर निकल गए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। कोई डाउट इसमें? तो एक ग्राफ आपको प्लॉट करना है, आता है ये ग्राफ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक एप्लीकेशन तो इसकी फिफ्थ भी है,